कोर्स ऑफ सोशल एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित HPL दी हिमाचल कप नशा मुक्ति हिमाचल क्रिकेट प्रतियोगिता के जोन 1 के लीग मैच 4 से 6 जनवरी तक सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित किए जाएंगे। प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चर हेरिटेज के अध्यक्ष नरेश कौंडल व महासचिव धर्म सिंह ने यहां पत्रकारों से बातचीत में बताया कि HPL के फाइनल मैच में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, द ग्रेट खली भी इसमें शिरकत करेंगे। नरेश कौंडल ने बताया कि HPL के द हिमाचल कप प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा, जबकि रनर अप टीम को 1 लाख रुपए और सेमीफाइनल में आने वाली टीमों को 50,000 का कैश प्राइज मिलेगा। हिमाचल प्रीमियर लीग जो हिमाचल कप है, ये हमारा जो है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। ये इसमें पहला जोन है ये, और इसमें हमारी 4 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। 4 टीमों में हमारे पास सोलन सुपर नवाज है, जिनके मालिक जितेंद्र ठाकुर जी हैं, और शिमला स्कॉर्पियंस है जो हमारी एसोसिएशन उसको स्पॉन्सर कर रही है, और तीसरी जो है वो उन्ना स्काई हॉक्स, और चौथी टीम जो है वो बिलासपुर वॉरियर्स है। 4 टीमें बड़ा टफ कंपटीशन करके स्टेट लेवल पे आ रही हैं, और इसका जो फर्स्ट जोनल है वो हम ठोडो ग्राउंड, जो सोलन का जो ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड है, वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। और चार पाँच छः जनवरी को ये लीग मैचेस होंगे। जो 2 टीमें निकलेंगी उनको 50,000 की राशि जो है वो उनको प्राइज में दिया जाएगा, और जो हमारी फर्स्ट विनर हैं उनको 2 लाख, और जो सेकंड विनर होंगे उनको हमारे पास 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। और जो ये सेमीफाइनल की हम बात करें और फाइनल की बात करें, तो उसमें जो द ग्रेट खली जी हैं वो आ रहे हैं, और मुकेश गौतम जी हैं, यामी गौतम जी के फादर हैं, वो भी आ रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर जी जो CM साहब हैं वो भी आ रहे हैं। श्री गोविंद ठाकुर जी हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो भी आ रहे हैं इसमें, और समाज से भी जितेंद्र ठाकुर जी भी आ रहे हैं इसमें। तो और साथ में हमारे जो ऑनर हैं जो टीम के, जो जितेंद्र ठाकुर जी हैं, वो भी इसमें आ रहे हैं। तो जो हिमाचल की महान हस्तियां हैं, जैसे कुलदीप शर्मा जी हो गए, मनोज ठाकुर जी हो गए, अपने मनु बालिया जी हो गए, और जितने बहुत से जो हाई प्रोफाइल लोग हैं इसमें आ रहे हैं। एन स्टार न्यूज के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।